मूढ़ं बुद्धमिवात्मानं हैमी भूतमिवायसं धूमेर्दिमी वारुढ़ं मन्ये भवदुनग्रहात्। मैं अपने को आज ऐसा समझ रहा हूँ मानो मुझ मूर्ख को ज्ञान मिल गया हो। मैं लोहे से सोना बन गया हूँ और पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग में जा चढ़ा हूँ। कुमार संभोग छठा सर्ग प्रथमा श्लोक। एक समय था जब ऋतुओं के आगमन को लेकर कितनी उत्सुकता रहती थी मन में। प्रत्येक नक्षत्र का अपना विधान, अपना पकवान ऋतुओं में छुपा होता था। जीवन का सारा अनुष्ठान, सारा मिष्ठान, कैसे कैसे मेघाच्छादित नवदेह हर्षोल्लास से भागते थे अमरूपों की ओर। वर्षांत में जब पशुओं की महामारी को भगाने के लिए उठता था हर का गोबर लाठी के हरबों को छोर, उत्साह में चिल्लाते दौड़ते कैसे करते थे ग्राम पर दक्षिणा। हटती ही नहीं थी प्रीति स्नेह काँखें मेघों से होर लेते बलाकाओं के झुंड से। दृश्य अमर मंजरियों और बकुल पंक्तियों को खिलने की कैसी रहती थी प्रतीक्षा। दृश्यों को अनावृत करने का कौतूहल नहीं दबता था दबाए। गूलर के फूल या तेरह धारी वाले मक्के के बाल के स्वामित्व की चाह जैसी कैसी निष्कपट जिज्ञासाएं उन्मत्त कर रात्रिचर निडर बना भटकाती थी निर्जन ग्राम प्रांतर में। दारू मीन धेनु ऋषभों से कैसा रहता था अनुप्राणी। कितना रोया था एक बार कदम की छाव में बैठा मृत तितली को करके जला प्लावित। दूर नदी मझधार में नौका पर झिझिया खेलती स्त्रियों द्वारा गाए जाते हल्की पूर्वाभ्यास के साथ ग्राम में पहुंचते गीतों की मद्दम सोलहरियां, कीर्तनियों आरोहावरोह की मादक ध्वनियां, रेत पर सूर्य किरण के साथ दौड़ती निश्चल सुबह, चंद्र छवि के साथ नदी में तैरती शीतल रातें किसी पुरुजन की स्मृति लगती है। अब तो अपने ही हृदय के यक्ष और यक्षिणी की ग्रह में घुलता ऋतुओं की टोका टाकी से वितराग कमल कुंद लोध्र पूर्वक शीर्ष कदम कुसुमों को खिलते और मुरझाते निर्लिप्त देखता हूं। लेना ही पड़ता है कालिदास को एक न एक दिन संन्यास। ऋतु संहार से अभिज्ञान शाकुंतलम तक जाते जाते वह मांग ही लेता है मुक्ति। नंदीग्राम के त्याग का उज्जैन के त्याग से होता है उपसंहार। मल्लिका का सानिध्य हो या प्रेमगो मंजरी का सहवास, विरह हो या संसर्ग, एकाकी कालिदास एकाकी ही रहता है। अवशेष से उत्पन्न हूँ एक दिन अवशेष हो चला जाऊंगा। उससे पहले संतप्त हूँ भाषा शब्द देह भटकने के लिए। भटकना होता है अकेले ही प्रत्येक प्रतिभा को अपनी त्रासदी में। सब कुछ है आस आकांक्षा के, देना ही होता है अवदान, रचना ही होता है सच्चे छुपाकर जीवन की संपूर्ण नसीब अवसर कर एक प्रेम पत्र। क्या पता कैसा हो उसका भवितव्य, पहुंचे या न पहुंचे वह प्रेमिका तक, पहुंच भी जाए तो उसे पढ़े या न पढ़े, पढ़ भी ले तो उसमें निहित भावनाओं व्यंजनाओं को समझे या न समझे। अक्षर अक्षर और सांस सांस बना रहता है शक्ति उत्पत्ति और अभ्यास पर एक संशय। मन बैठ बैठ जाता है देख कि कितना व्यापक है शब्द ध्वनि का यह फैला हुआ पारावार। जब भी सोचता हूँ हिमालय के उच्च शिखर से होर लेती है पूर्ववर्ती कवियों की कृति पताका। जब भी सोचता हूँ वाल्मीकि या वेद व्यास को, तब बोध होता है अपनी अपूर्णता का। दुविधाएं दंड मेघ की तरह मन को घेर लेती है बार बार। करता हूँ इष्ट का स्मरण, कहता हूँ जला दी है मैंने अपनी नौका, मिटाता आया हूँ पदचिन्ह, पीछे हटने का रखा ही नहीं कोई विकल्प। तैरना ही मुक्ति इस निदात सिंधु में, नहीं चाहता कोई अनुकंपा या वरदान। मृत्यु कभी के लिए एक छंद से दूसरे छंद, कोरे पृष्ठ पर जब भी उतरता है कोई शब्द, असंगत हो जाती है हृदय की चाल, कानों की सिराएं होती हैं तब एकाग्र हो करता हूँ शब्द का अनुसंधान। एक प्रवाह एक छंद है जो करता है अग्रसर, प्रत्येक क्षण नए नए अनुभवों से होता है पुनः पुनर्जन्म। कविता से काव्येतर अभिलाषा
प्रेम से प्रेमितर अंदेशा अपमान नहीं, और क्या है प्रेम और कविता का? मिल जाए कुछ मनोनुकूल दान, भोजन और भोजनोपरांत दक्षिणा, भिक्षाटन नहीं है कोई भी कलाकर्म, भिक्षाटन नहीं है कोई भी कलाकर्म, नहीं ब्राह्मण नृत्या कर्म काम। कविता तो निदान विरोधी रही है इस लोकोपवादी याचक प्रति की, कवि में उपस्थित रहना ही चाहिए एक शालीनता से भरा औधत्य, नहीं मिलता भिखारियों को सरस्वती का आशीर्वाद, एक बिल्कुल नए अनुसंधान के लिए एक आधी अधूरी कल्पना, जो क्या बनेगी इसका नहीं अभिज्ञान, सारी भौतिक लालसाओं और तृष्णाओं को त्याग, जल रक्त मांस अस्थि को एकत्र कर देनी ही होती है आहुति। यहाँ से दिखती है दूर कृति की एक चमक, यहाँ से दिखती है दूर कृति की एक चमक, एक आभा जो हो सकती है मरीचिका भी कोई नहीं जानता, आंखें बांध अपने भीतर की गोंद को संभाले, चढ़ना होता है उपत्यका की चढ़ाइयों पर मृत्यु पर्यंत। बहुत ही साधारण घटना है पत्थरचूक खाई में गिर जाना, गिर ही जाते हैं लोग शुष्क जीवनानुभव और मलिन मन लेकर, ऐसे ही खाई में गिरे दादुओं की क्षुद्रता से अक्रांत है समस्त कला जगत, कला का इतिहास पादाक्रांत है दुर्भिक्ष और अकाल मृत्यु से, मरणोपरांत कृति का इतिहास जीवन वृद्धि से असंख्य पत्थरों में से किसी एक सौभाग्यशाली को स्पर्श मणि का प्राप्य स्पर्श है। दुर्निवार है कलाकर्म कवि होना, और भी प्रिय भोज्य होना है मृत्यु का, अकाल मृत्यु से लब्ध अस्थियों के ढेर के ऊपर कालिदास के आराध्य नटराज करते हैं नृत्य, भरत मुनि बजाते हैं वीणा, कवि पुरुष करते हैं आराधना, सरस्वती के हाथों से अपने इन दुस्साहसी पुत्रों के लिए बरसते हैं स्नेह कुसुम, सृष्टि की असफलता की शल्य चिकित्सा के प्रयास का एक और मर्मांतक अंत देख ब्रह्मा की आंखों से टपक जाते हैं आंसू, जिससे कवि लिखते रहते हैं पुनर्जन्म, विष्णु देव ब्रह्मा की विवलता स्मृतियों में झांक मंद मंद मुस्कुराते हैं। प्रत्येक क्षण कोई न कोई कवि नंदग्राम से होता है विस्थापित, लेकिन युग लग जाते हैं किसी कालिदास को उज्जैन पहुंचने में। कश्यप ने विनता से कहा था कि अधैर्य सबसे बड़ा पाप है, कला क्षेत्र में अधैर्य पाप नहीं महापातक है, यदि नहीं है साहस अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का तो भलाई है प्रतिभा को कहीं और ही लगाने में, क्योंकि यहाँ सत्ता है अनंत अनिश्चितताओं विडंबनाओं और प्रवंचनाओं की, बहुत बहुत व्यस्त और निर्मम समालोचक है समय, बेध्यानी में खारिज करता समग्र जीवन संघर्ष, अमर्ष से भरे कुटिल प्रपंचों का प्रदर्शन अशोभनीय बनाता है कलाकर्म को। उज्जैन के कला मठों में बैठे लोग संभवतः ही कभी समझ पाए कि कविता नहीं है ज्ञान का आतंक, ज्ञान ही नहीं अर्जित करना होता बचानी होती है स्निग्धता और प्रांजलता भी, कलाकर्म की शुरुआत होती है सबसे पहले सहृदयता से, कवि न रचे एक भी मूल्यवान पंक्ति, लेकिन सहृदयता का त्याग कवि के सत्व का त्याग है, कोई नहीं जानता प्रसिद्धि हाथी पर सवार होकर आएगी या गर्दक पर। रत्नात्मक जीवन समुच्चय है अंतर्विरोध का, रत्नात्मक जीवन समुच्चय है अंतर्विरोध का, जितना सिमटता उतना ही फैलता, बिना किसी अपराध के अपराध बोध से संतप्त जीवन कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या भौतिक लालसा नहीं, मात्र कलात्मक महत्वाकांक्षा, फिर भी देखते ही देखते जो है सबसे पास वही हो जाता है सबसे दूर, क्या अनूठा दैत्य है। सत्य को बरतना कभी भी नहीं रहा सहज, लेकिन काल की गति ऐसी है कि अब इसे देखना दीठ में चमकते झीने तार की तरह दुर्लभ है। नींद में आए व्यवधान का परिणाम है सृष्टि, बनाने वाले की चूक का उदान है सृष्टि, इसलिए कहीं से भी देखो अपूर्ण है सृष्टि, इसी अपूर्णता का विस्तार है यह जीवन, उज्जैन से कश्मीर तक कालिदास केवल एक इकाई भर इस अपूर्णता की। महत्वाकांक्षाएं अंततः पूर्ण होती है शून्यता में, कालिदास ने अनुभवगत कर लिया था इसे पर रचा नहीं, तथागत ने अपने अनवरत अनुदर्शन से जान लिया था इसे पर मौन ही रहे, आनंद रूपक भरे शून्यता का यह तो बहुत बाद की बात है जब नागार्जुन ने इसे कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा सब हवा है। अपूर्णता दोहराती है सब कुछ पाने की ओर, फिर लौटाती है सब कुछ छोड़ने की ओर, अपूर्णता कारण और आदमी डोलक है जो डोलता रहता है चाह और त्याग के बीच, यह दोलन ही जीवन का काव्य है। बहुत दुष्कर है ढूंढ पाना इस खंडित महाद्वीप के मानचित्र पर कालिदास का जन्मस्थल, क्या कोई पूछता भी है कालिदास की जाति?
कोई नहीं जानता कहाँ से आता है कालिदास, कोई नहीं जानता कहाँ को चला जाता है कालिदास। हर कालिदास के जीवन में आता है उज्जैन, जहाँ पहुँच वह रचता है अपना सर्वश्रेष्ठ, वहीं उतरती है पारिजात से सुगंधित स्वर्ण पंखुड़ियों से चमकती मेघदूत की पंक्तियाँ, उसके बाद केवल किंवदंतियाँ जनश्रुतियाँ।